गणपत के मेकर्स ने 70s और 90s की अमीरी और गरीबी वाली कहानी को उठाया और उसमें VFX का लॉलीपॉप डालकर एक सुपर हीरो तैयार कर दिया। लेकिन आपको टाइगर श्रॉफ से ईमानदार एक्टर पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। पहले ही सीन में बंदे की डायलॉग डिलीवरी ने बता दिया सुपर हीरो नहीं सी बनाया गया है सबका। और जिस VFX पर ये उछल रहे हैं इनसे बोलना चाहूंगा जाकर आदि पुरुष देखो। हाँ भाई, इनसे हजार गुना बेहतर VFX आदि पुरुष में है, लेकिन कॉन्फिडेंस देख रहे हो तुम। एक सीन का मन नहीं भरा, इन्होंने पार्ट 2 तक अनाउंस कर दिया। अगली बार थिएटर से बाहर मैं नहीं भाई मेरी आत्मा निकलेगी। आपको क्या लगता है मैंने जो बोला वो बकवास है? इससे 100 गुना जहर गणपत के डायलॉग हैं। और जब ये टाइगर श्रॉफ के स्टाइल में बाहर निकलते हैं तो परमाणु बम से भी खतरनाक बन जाते हैं। बॉर्डर पे गोली वगैरह सब बंद कर दो, एक बार गुड्डू से डायलॉग बुलवा दो, दुश्मन खुद मर जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे पागल तूने एक्शन देखा? देख लिया भाई, और कितनी बार वही सेम एक्शन देखूं। और मुझे सबसे ज्यादा डर अक्षय भैया के लिए लग रहा है। वैसे भी उनके ऊपर पनौती छाई हुई है और छोटे मियां बड़े मियां में टाइगर श्रॉफ भी है, पता नहीं क्या होगा।